डीसी बिलासपुर राजेश्वर गोयल ने स्वारघाट नैना देवी के चार क्वारंटाइन सेंटरों और पंजाब हिमाचल के विभिन्न नाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम स्वारघाट सुभाष गौतम, स्वास्थ्य विभाग व पुलिस की टीम उनके साथ मौजूद रही। डीसी राजेश्वर गोयल ने मंडल प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जाहिर की है। डीसी बिलासपुर राजेश्वर गोयल ने बताया कि स्वारघाट नैना देवी में कर्फ्यू का पालन काफी अच्छा हो रहा है। सभी क्वारंटाइन सेंटरों में काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं और क्वारंटाइन सेंटरों के साथ साथ अन्य जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो रहा है। प्रशासन द्वारा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस स्वारघाट, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस स्वारघाट, कहलूर होस्टल स्वारघाट और नैना देवी मातृ सदन में चार क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें 143 लोग क्वारंटाइन किए गए हैं। जो लोग आए थे पंजाब बॉर्डर और नालागढ़ बंदी की तरफ से, तो एक तरह से हमारे माइंड में था कि लंबे समय के लिए जो है लोगों को स्कूलों में रखना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। वो जिस लेवल की सुविधाएं हम उनको देना चाहते हैं वो सुविधाएं नहीं दे पाएंगे, तो उनको एक ट्रांजिशन कैंप के रूप में हमने वहाँ पर ठहराया था। हो सकता था कि हम उनको आगे भी वही सिस्टम कैरी करते, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसा आपको पता है स्कूल में वो व्यवस्थाएं नहीं बन पाती हैं, तो उसके मद्देनज़र जो है ये डिसीज़न लिया गया कल कि उनको ऐसी जगह भेजा जाए जहां प्रॉपर टॉयलेट सुविधाएं हों, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए नज़दीक डॉक्टर्स हों जो रोज़ उनको दिन में दो तीन बार जो है एग्जामिन कर सकें। तो इसी कड़ी में जो है उनको चार कैंपों में जो है शिफ्ट किया गया है। जैसे स्वारघाट में हमारे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस और कहलूर होटल, ये तीन कैंप हैं। और नैना देवी जी में जो है मातृ सदन, बड़े बड़े जो है हॉल्स हैं, प्रॉपर तीन तीन मीटर की, ढाई ढाई मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पे इंश्योर की जा रही है। आपने देखा होगा स्कूल में उतनी सोशल डिस्टेंसिंग करना संभव नहीं हो पा रहा था, तो वो इंश्योर करने के लिए जो है हमने इनको और जगह शिफ्ट किया है। और इसके अतिरिक्त भी आज उपायुक्त महोदय ने यहाँ पे दौरा किया है, जहाँ व्यवस्थाओं को और बेहतर जितना भी हम कर सकते हैं तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं, चाहे टेम्पल ट्रस्ट की तरफ से, जिला प्रशासन के जो फंड्स हैं उनका भी उपयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो स्वयंसेवी संस्थाएं साथ में आ रही हैं, मैं उनका स्पेशली धन्यवाद करना चाहूँगा, जो वॉलंटियर लोग सामने आ रहे हैं, जैसे हमारे संतोषी माता मंदिर कमेटी है, व्यापार मंडल स्वारघाट है, या कहलूर होटल के जो लोग हैं उनका भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो है ये सुविधा हमारे लिए दी, क्योंकि स्वारघाट में सीमित सुविधाएं हैं, तो उन लोगों का भी धन्यवाद करूंगा। इसके अतिरिक्त जैसे कहलूर एल्यूमिनाई एसोसिएशन है, बहुत लंबी लिस्ट है, मैं सबका नाम ना लेते हुए उन सभी का धन्यवाद करूँगा कि आप लोगों ने जो इस कठिन समय में प्रशासन का सहयोग किया है, जनता का सहयोग किया है, वो आगे भी जारी रहेगा जब तक लॉकडाउन पीरियड है या कर्फ्यू पीरियड है। मंडल इसका दौरा किया तो मैंने पाया कि जो कर्फ्यू का जो है जो पालन बड़ा अच्छा हो रहा है। 9 से 12 के दौरान मैं इसी मंडल में रहा, तो सोशल डिस्टेंसिंग भी मैंने देखी है। इसके अलावा हमारे जो ये शेल्टर होम्स या रिलीफ कैंप या क्वारंटाइन सेंटर्स है ना, कुछ भी कह लीजिए, तो इनका मैंने निरीक्षण किया। हमारे 143 जो हैं इनमें व्यक्ति हैं, चार जगह हमारे सेंटर चले हुए हैं, एक तो नैना देवी जी में हमारा और तीन यहाँ पर हैं स्वारघाट में। तो मैं सभी से मिला, एक एक जो भी वहाँ पर ठहरे हुए हैं, और पूरी सप्लाई जो है, चाहे भोजन की व्यवस्था है या मेडिकल की है, सारी जो है उनको प्राप्त हो रही है, पानी की व्यवस्था या शौचालय की व्यवस्था। और मैंने सबसे इंटरेक्ट भी किया और मुझे मतलब कोई कठिनाई उन्होंने नहीं बताई। और मेरे ये स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस भी हैं या जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं कि जितने दिन ये हमारे यहाँ हैं, हमारे मेहमान हैं, कि इनको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। और बाकी उसके अलावा मतलब मैंने पूरा मंदिर क्षेत्र का जो है वहाँ भी दौरा किया, और भी हमने कैपेसिटी आइडेंटिफाई की है कि वैसे तो अब जो मतलब पलायन तो नहीं, जो बदीब रोटी वाला से आ रहे थे या प्रवासी मजदूर हिमाचल से जा रहे थे, अब तो इसमें रुक गया है, कोई मूवमेंट नहीं है, परंतु फिर भी अगर कोई जैसे कोई जंगल के रास्ते से आता हो, जैसे नहीं आ रहे हैं अब, है ना, जैसे आज 3 या 4 मुझे बताया गया, तो उनको हम इधर, तो वो भी हमने एडिशनल कैपेसिटी भी आइडेंटिफाई की। इसके अलावा और अगर कोई इमरजेंसी की कोई समस्या होती है उसके लिए कोई और हमें हॉस्पिटल के लिए, वो भी आज हमने जितनी हमारी कैपेसिटी है उसका निरीक्षण किया।
और मेरे साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी थे, पुलिस विभाग के अधिकारी भी थे। तो यहाँ पर कर्फ्यू का बहुत अच्छा चल रहा है। बस मैं यही अपील करना चाहूँगा कि सब अपने घरों में रहें। हम तो होम डिलीवरी का भी चाह रहे हैं अगर लोग चाहें, और दवाइयाँ तक अगर भेजनी है, और हमारा जो सप्लाईज़ हैं, जितनी नागरिक आपूर्ति है, चाहे गैस की सप्लाई है, सब्जी की सप्लाई है, राशन का है, इनफैक्ट बैरियर्स पे मैं गया हूँ सभी में, तो उनको भी ये निर्देश दिए हैं कि अगर मान लीजिए कोई तूड़ी का ट्रक भी आता है या अनाज का आता है, दूध का आता है, उसको रोकना नहीं है। परमिट भी हम दे रहे हैं, और अगर नहीं भी कोई परमिट का बाई चांस पंजाब से कोई चावल का मान लीजिए ट्रक आ रहा है, तो कोई भी व्यवधान नहीं आ रहा है। बल्कि आपने भी यही पाया होगा, है ना। और मैं अपील करता हूँ कि इसको, जो हमारा ये जो लॉकडाउन कर्फ्यू अवधि है, इसको हम सफल बनाएं, अपने घरों में रहें, सतर्क रहें, और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालना करें। बाकी मैं संतुष्ट हूँ, जो यहाँ मैंने पब्लिक का पूरा कोऑपरेशन दिया। थैंक यू।